गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल। सुबह के बज चुके हैं 9:45 और आज मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ कुछ सरप्राइज। गाइस, यहाँ पूरा वीक निकल चुका है और आप मेरी डेली रूटीन को देख के काफी बोर हो गए होंगे, तो मैं आज आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ। कार का व्यू देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कहाँ जाने वाले। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, हम जाने वाले हैं सिटी ऑफ मार्बल जबलपुर, जहाँ मैं ले चलूंगा आपको भेड़ाघाट वाटरफॉल। वहाँ पे करने वाला हूँ मैं काफी सारी मस्ती, तो चलिए चलते हैं भेड़ाघाट वाटरफॉल की ओर। दुर्गावती अभयारण्य बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर रानी दुर्गावती का किला है। यहाँ पे एक फेमस वाटरफॉल नजारा पॉइंट है, जिसका भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में व्यू दिखाऊंगा। आप भी यहाँ आ सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हैं। और गाइस, ये है कटंगी के फेमस छुर्रे के रसगुल्ले। हम आ चुके हैं भेड़ाघाट, तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल की। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं भेड़ाघाट और चलिए चलते हैं धुआंधार वाटरफॉल की। ठंडा पीने का, तो पीते हैं सिकंजी। तो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल, जो मुश्किल से 500 मीटर दूर है, तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल की ओर। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट वाटरफॉल, जिसका मैं आपको व्यू दिखाता हूं। हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास और आप देख रहे होंगे कि पीछे का नज़ारा काफी मनमोहक है। गाइस, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो हमें वाटरफॉल तक तो जाने नहीं मिलेगा, तो हम आपको रोप वे का जो व्यू रहता है उससे आपको पूरा वाटरफॉल दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं रोप वे की ओर। तो गाइज, ये है भेड़ाघाट वाटरफॉल का नज़ारा। देखिए गाइज, कितना मनमोहक दृश्य है ये, देखिए फ्रेंड्स। रोपवे से आप पूरा व्यू कवर कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल है, आवाज आप सुन रहे होंगे।
तक संगमरमर की चट्टाने हैं। काफी वेग से यहाँ पे नदी बह रही है और कितना मनमोहक दृश्य है। तो प्लीज गाइस, आप भी यहाँ घूमने के लिए आए, बहुत अच्छा प्लेस है, मन को बहुत शांति मिलेगी और दिल बहुत खुश हो जाएगा आपका। तो गाइस यहाँ देखिए, साई भी एंजॉय कर रहा है वॉटरफॉल। साई, देखिए कितनी शानदार आवाज आ रही है, आप सुन रहे होंगे रिकॉर्डिंग में। आप भी यहाँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट है। बेल नदी नीचे गिरती है तो एक धुआं टाइप का उठता है, तो इसे धुआंधार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा धूप हो चुकी है, तो चलिए यहाँ हम भी नहाते हैं और मजा लेते हैं नदी में नहाने का। टाइम है नहाने का, तो चलिए नहाते हैं। चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट तक। गाँव गाँव भी आ जाता है खत्म। तो गाइज यहाँ पे हम नहा के हो चुके हैं फ्री, और फिर करने चलेंगे लंच और फिर चलेंगे कहीं और। तो गाइज ये देखिए होटल के पीछे का नजारा काफी मनमोहक है। गाइज अब भी जरूर एमपी टूरिज्म इस होटल में आए और मजा लें। चाहे तो आप रुक सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी और धूप हो गई है, तो चलिए चलते हैं और खाते हैं कुछ खाना, बहुत भूख लगी हुई है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ हमारा खाना आ चुका है। तो फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज और कैसी लगी आपको मस्ती, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, नर्मदा नदी कल कल बह रही है। गाइस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। ये अमरकंटक जिले से निकलती है और अरेबियन सी में जाके मिलती है। और अब हम चलते हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर की ओर, जो की माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद हम चलेंगे कचनार सिटी, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहाँ पे मैं करवाऊँगा आपको माता रानी के दर्शन, तो चलिए चलते हैं।
माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अब टाइम हो गया है कचनार सिटी चलने का, जहां पे हम करेंगे महादेव के दर्शन। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं कचनार सिटी, चलिए चलते हैं। दर्शन हो चुके हैं शिव जी के और टाइम हो चुका है दमो चलने का। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करता हूं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।